बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर विंडोज। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी फ्री में ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है वंडरशेयर फिल्मोरा 13। इसका डाउनलोड लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अंदर काफी ज्यादा AI फीचर्स भी ऐड हुए हैं, उनके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है दो पार्ट्स के अंदर, उन दोनों का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद स्टार्ट मेन्यू के ऊपर आप लोगों को कुछ इस तरह से ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसके स्टार्टअप विंडो के ऊपर ही आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग अपनी स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हो, कस्टम के ऊपर क्लिक करके आप लोग जितने भी यहां पर स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहो यहां पर आकर आप लोग कस्टमली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये टास्क बार इस वीडियो के अंदर ना आए, तो मैं सिंपली इस कस्टम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तो यहां से इनको मूव वगैरह करके कॉर्नर के ऊपर और इसको मैं यहां से हाइड कर दूंगा और इसको यहां पर लाकर तो रख दूंगा। जो बार मैंने सिलेक्ट किया वही रिकॉर्ड होगा और नीचे ये मेरा टास्क बार रिकॉर्ड नहीं होगा। अब उसके बाद टारगेट विंडो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की कोई और विंडो आप लोग चाहते हो कि सिर्फ वही विंडो रिकॉर्ड हो और कोई भी रिकॉर्ड ना हो, अगर मैं उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करके दूसरे और सॉफ्टवेयर को ओपन करूं तो फिर भी वो उसी सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करे, किसी और को रिकॉर्ड ना करें, तो फिर आप लोग टारगेट विंडो को यहाँ पर आकर सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का माइक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग ऑन करना चाहो ऑन कर सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों का जो भी माइक आप लोगों के PC के साथ अटैच होगा वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। स्पीकर्स का साउंड आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी इनबिल्ट आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर साउंड वगैरह होगी या जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा उसका साउंड आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते हो कि नहीं, वो आप लोग यहाँ पर आकर ऑफ या ऑन कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई वेबकैम अपने PC के साथ अटैच किया है तो वो यहाँ पर आकर तो आप लोग सिलेक्ट करके तो उसको भी यहाँ पर आप लोग शो करवा सकते हो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। ये आप लोगों का फेस कैम एक सर्कल के अंदर आ जाए, फिर एक बॉक्स के अंदर आ जाए, कुछ इस तरह से चाहते हो। तो सिंपली इसको ऑन करने के बाद 3 डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट कर लोगे तो वो आप लोगों का सर्कल के अंदर आ जाएगा। और अगर आप लोग स्केयर के अंदर रखना चाहते हो तो ये स्केयर को सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद आप लोग 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इसकी रेजोल्यूशन को भी यहाँ पर अपने वेबकैम की सिलेक्ट कर सकते हो। रेड बटन के ऊपर क्लिक करके हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर आकर तो इसका नेम जो भी आप लोग रिकॉर्डिंग का रखना चाहो वो रख सकते हो। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आप लोग इसको किस फोल्डर के अंदर रखना चाहते हो वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप लोग रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों की उस फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। फ्रेम रेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग 12 FPS से लेकर 60 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो। वो आप लोगों की LCD या LED की रेजोल्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कितना आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। और क्वालिटी को आप लोग यहाँ पर लो, रिकमेंडेड, हाईजेड यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। 1 सेकंड 0 सेकंड से लेकर आप लोग 9 सेकंड का काउंट डाउन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे मैं इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो उतने सेकंड के बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो वो आप लोग यहाँ पर आकर टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड टाइमर वाले ऑप्शन को यहाँ पर ऑन कर दोगे मिनट्स, और यहाँ पर आप लोग सेकंड को सिलेक्ट कर सकते हो कि इतने मिनट या इतने घंटों के बाद ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए अगर मैं हूँ यहाँ पर या नहीं हूँ, तो वो भी आप लोग यहाँ पर आकर टाइमर सेट कर सकते हो। और उसके बाद हाइड माउस जेस्चर, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों का ये माउस का आइकन यहाँ पर शो नहीं होगा, अगर आप लोग इसको ऑफ कर दोगे तो ये शो हो जाएगा। इसको ऑन करने के बाद आप लोग शो माउस क्लिक इन रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर जब भी क्लिक करोगे तो आप लोगों के माउस के साथ साथ कुछ इस तरह से क्लिक्स आप लोगों को शो हो जाएंगे। इनका कलर भी आप लोग यहाँ पर आकर तो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। प्ले माउस क्लिक साउंड आप लोग अगर इसको ऑन कर दोगे तो जैसे ही आप लोग किसी के ऊपर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल दिस PC को ओपन करोगे, तो वो माउस का क्लिक भी आप लोगों को यहाँ पर सुनाई देगा। रिकॉर्डिंग को पॉज और रिज्यूम करने के लिए जो आप लोग हॉट की रखना चाहते हो या शॉर्टकट की रखना चाहते हो वो यहाँ पर क्लिक करो और जो भी आप लोग बटन दबाओगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और इसके बाद स्टॉप एंड स्टार्ट करने के लिए जो आप लोग बटन दबाओगे वो भी सिंपली यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का ग्राफिक कार्ड भी इसके अंदर यूज हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, जिससे हम लोगों को काफी अच्छे FPS भी मिल जाए और काफी अच्छी हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो जाए, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर आकर इनेबल GPU एक्सेलरेशन को ऑन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टाइमर रखा है 6 सेकंड का, मैं सिंपली यहाँ पर रेड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6 सेकंड के बाद यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। और जैसे ही आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज करोगे वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के वंडरशेयर फिल्मोरा 13 के अंदर ऐड हो जाएगी। बाद अगर आप लोगों ने वंडरशेयर फिल्मोरा 13 के अंदर एडिटिंग कर रहे हो तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों ने थोड़ा सा कोई पार्ट रह गया है वो आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है, आप लोग इसको
ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर रिकॉर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दो तो वो ऑटोमेटिकली फिर से अगेन ओपन हो जाएगी और आप लोगों का फिल्मोरा 13 भी यहाँ पर ओपन रहेगा। और जो भी पार्ट आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहते हो, रेड बटन के ऊपर क्लिक करो या शॉर्टकट की को यूज़ करो और उसको रिकॉर्ड करके तो इसको स्टॉप कर देना, तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्मोरा 13 के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद आप लोग सिंपली उसको एडिट करके जहाँ पर भी अपलोड करना चाहो वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब। आप लोग मिलना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।